गाइज, अगर आप भी पीरियड्स को समय पर लाना चाहते हैं, टाइम पर लाना चाहते हैं, तो आज का मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो पीरियड्स होते हैं वो बॉडी का बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है, तो हमें उसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें कभी इसको जल्दी लाने का या बाद में लाने का ट्राई नहीं करना चाहिए। एक आध बार ये सब चीजें चलती हैं, अदरवाइज इनसे हम जितना ज्यादा छेड़खानी करते हैं तो हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक पीरियड्स प्रॉब्लम आने लगती है। या तो हमारी डेट से 15 दिन बाद पीरियड्स होते हैं, या फिर 15 डेज का गैप यानी पहले पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर भी क्या होता है, बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी होती है, जैसे किसी की वेडिंग है, या हमें किसी वेडिंग में जाना है, किसी मैरिज में जाना है, या फिर आपका कोई इवेंट है, या आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाने का शूट है, कुछ इमरजेंसी है, या आपके एग्जाम्स हैं और आपको लगता है आप एक्टिव फील नहीं कर पाएंगे, या फिर आप बहुत बड़े एथलीट हैं, आपको किसी पार्टिसिपेट करना है गेम में, तो आपको लगता है कि मैं उस दिन एक्टिव फील नहीं करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा पेन्स होंगे, तो आप चाहते हैं कि पीरियड्स में पहले लेकर आ जाऊं। तो इस चीज के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो आप अपने पीरियड्स को टाइम पर या समय से पहले ला सकते हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, तो वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने पीरियड्स को रेगुलर और टाइम पे ला सकते हैं। उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि पीरियड्स डिले होते क्यों हैं। सबसे पहला रीजन होता है प्रेगनेंसी। या तो आप चेक करें कि आपके पीरियड्स ऑन टाइम नहीं है या टाइम पे नहीं आ रहे, तो आपको प्रेगनेंसी तो नहीं। और सेकंड रीजन होता है स्ट्रेस। जब हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, हमारे पीरियड्स कभी बहुत ज्यादा आगे, कभी बहुत ज्यादा पीछे जाने लगते हैं। तीसरा रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर का फर्क। या हमने कोई जगह जहां पहले रहते थे वहां हमने जगह बदल के कोई और जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो हमारे वातावरण का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। चौथा रीजन क्या होता है, या तो हम कोई बहुत ज्यादा वेट लॉस प्रोसेस पर है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान कर रहे हैं फॉलो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगी है, हो सकता है खून की कमी हो गई हो, जिसकी वजह से पीरियड्स हमें नहीं आ रहे, या फिर हम बहुत ज्यादा इनटेक कर रहे हैं, वेट गेन प्रोसेस पर है, तो भी इन सब चीजों की वजह से भी हमारे जो होते हैं पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और फिफ्थ रीजन जो होता है, जो प्रेगनेंसी स्टॉप करने के लिए पिल्स आती हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि जो एक पिल होती है, आई थिंक जो आई पिल्स आती है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके बॉडी में साइड इफेक्ट लेकर आती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर रहने लग जाते हैं। तो ये तो थे कुछ बेसिक रीजंस, और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं उन रेमेडी की, जिसकी वजह से आप अपने पीरियड्स को टाइम से पहले भी ला सकते हैं और या ऑन टाइम भी कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट रेमेडी क्या है, आपको लेनी है आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन जो होती है गर्म होती है, जो आपके पीरियड जल्दी लाने में हेल्प करती है। इसके लिए आपको 2 ग्लास पानी लेना है एक बर्तन में, और आधा चम्मच अजवाइन डालना है, और उसको अच्छे से उबाल कर काढ़ लेना है। जब वो आधा या एक ग्लास रह जाए तो आपको उसको छन्नी की मदद से एक कांच के ग्लास में छानकर उसको पीना है। लेकिन आपको ऐसा 2 बार करना है, एक तो रात को सोने से पहले और एक आपको सुबह खाली पेट। ऐसा करने से आप नोटिस करेंगे कि आपके पीरियड्स जो आपको कुछ दिन बाद आने वाले थे, जो आपको पहले चाहिए, वो आपके टाइम से पहले आ जाएंगे। लेकिन आप इस प्रोसेस को कम से कम 3 दिन जरूर फॉलो करिएगा। मैं आपको जितनी भी रेमेडीज बता रही हूँ, आपको वो सारी नहीं करनी फॉलो, उनमें से जो आपको कन्वीनियंट लगती है सिर्फ आपको एक फॉलो करनी है। बात कर लेते हैं सेकेंड रेमेडी की, जिसके लिए आपको इस्तेमाल करना है अदरक का, जिंजर टी। अदरक जो होती है बॉडी के लिए गर्म होती है, हम थोड़ी क्वांटिटी में अगर खाते हैं तो अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी गर्मी कर देती है, और गर्मी की वजह से हमारी बॉडी में जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हमें पीरियड्स आने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपने थोड़ा 1 इंच अदरक लेनी है, पानी में उबालना है, उबाल कर आपको उसको छान लेना है एक कांच के बर्तन में, ग्लास में, और फिर थोड़ा सा लेमन डाल के आपको 2 बार वो जिंजर टी पीनी है। वही सेम प्रोसेस, एक बार सुबह खाली पेट और एक बार रात को सोने से पहले। अब बारी आती है हमारे तीसरी रेमेडी की, जिसकी में इस्तेमाल करेंगे हम दालचीनी का। दालचीनी का आपने लेना है आधा चम्मच 2 ग्लास पानी में, उसको काढ़ना है, जब वो 1 ग्लास रह जाए तो आपको छान कर उस पानी को सुबह और उस पानी को रात को भी पीना है। यानी आपने सुबह आधा चम्मच लेना है दालचीनी और रात को भी आधा चम्मच दालचीनी पानी में बॉईल करके सेम प्रोसेस से आपको रात को पीकर सोना है। अब बारी आ जाती है फोर्थ प्रोसेस की, फोर्थ रेमेडी की। इसमें आपको पपाया का ज्यादा इस्तेमाल करना है, जो पपीता होता है, जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, पेट को साफ करता है, एक तो डाइजेशन को अच्छा करता है, और दूसरा हमारे पीरियड्स उससे जल्दी आ जाते हैं। हमारी 6th रेमेडी है, और लास्ट रेमेडी है हमारी खजूर। खजूर को आप दूध में बॉईल करके पी सकते हैं, या फिर आप खजूर को डायरेक्टली इस तरीके से खा सकते हैं। तो जितना आप खजूर का 2 या 3 खजूर गर्मी के टाइम में सेवन करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा और आपके पीरियड्स टाइम पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पिल्स भी आती हैं, जो आपके पीरियड्स टाइम से पहले ला सकती हैं। जैसे आपकी वेडिंग है 2-3 दिन बाद और आपको लगता है कि पीरियड्स में पहले हो जाएं, मैं फ्री हो जाऊं, तो उसको करने के लिए भी एक पिल्स आती हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे डायरेक्टली जाके नहीं पूछना, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपको रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छी गायनिक के पास जाना है,
उनसे कंसर्न करना है, देन उनसे पूछकर आपको कोई इस तरह की मेडिसिन इनटेक करनी है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। वैसे इन प्रोसेस को आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज करें, लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपके पीरियड्स बहुत टाइम से इरेगुलर हो रहे हैं तो हो सकता है आपको थायराइड हो, पीसीओएस हो, पीसीओडी, तो इसके लिए आप जरूर ये टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्न करें क्योंकि अगर ज्यादा टाइम हो चुका है आपके एवरी मंथ ये प्रॉब्लम है तो आपको आज ही अपनी गायनिक से जरूर कंसर्न करना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आपकी प्रेगनेंसी को लेकर आपके आफ्टर मैरिज ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी डिले हो सकती है। तो मेक श्योर आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, एल्कोहल कम इस्तेमाल करें। बहुत सारी गर्ल्स जो होती है स्मोक और एल्कोहल का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उनके पीरियड्स भी इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपना इस तरीके से ख्याल रखें और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आपकी किसी प्रॉब्लम को लेकर तो प्लीज कमेंट जरूर करें और ये वीडियो जितना हो सके उतना गर्ल्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।